ऑब्जर्वेशन है और जो भी प्रश्न है स्टेप टू के बारे में, वन के बारे में, उसको भी हम लोग स्टेप थ्री का डिस्क्रिप्शन देने के बाद वापस दे सकते हैं। स्टेप थ्री में देखते हैं कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारे और शरीर के बीच में, है ना, सूचनाओं का, उसका निर्णय कौन लेता है, हु इज द डिसीजन मेकर। तो स्टेप तीन में ये पूछ रहे हैं कि हु इज डिसाइडिंग टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द बॉडी और टू रीड सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो शरीर को कुछ संकेत जाता है सेल्फ से बॉडी तक, उसका निर्णय कौन लेता है, मैं लेता हूं या शरीर लेता है। इसी तरह से शरीर से कोई संवेदना की सूचना मैं तक आ रही है, उसका निर्णय किसने किया, मैंने निर्णय किया या शरीर ने किया। ये प्रश्न है, इसको आप अपने में देख सकते हैं। ये जो मिठाई है ना, खाने के लिए मिठाई के शॉप तक जाना है, तो शरीर को जो ये इंस्ट्रक्शन मिला कि भाई चलो उठो और मिठाई के दुकान तक चलो, ये इंस्ट्रक्शन जो दिया गया शरीर को या शरीर को जो इंस्ट्रक्शन मिला, इसका निर्णय किसने किया, मैंने किया या शरीर ने किया। इसी तरह से जब जीभ के संपर्क में आया मिठाई, है ना, उसका स्वाद सेंसेशन, है ना, मैं तक पहुंचा, इस सेंसेशन को पढ़ने का निर्णय किसने लिया, शरीर ने लिया या मैंने लिया, इस बात को जांचना है, इस बात को ऑब्जर्व करना है। तो जो उदाहरण हम लोगों ने लिया मिठाई के लिए, सारा प्रोसेस शरीर को इंस्ट्रक्शन दिया जाने का कि भाई मिठाई के दुकान तक चलो, पैसा निकाल कर दो, मिठाई मुंह में रखो, ये सब इंस्ट्रक्शन का निर्णय कौन ले रहा है। और इसी तरह से जो संवेदना हुई जीभ में, उसको जो है पढ़ने का निर्णय कौन ले रहा है, शरीर या मैं। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये पता लगता है कि निर्णय तो अंततः मैं ही लेता हूं। जब शरीर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, संकेत दे रहा हूं, तो निर्णय मैं लेता हूं। शरीर से कोई संवेदना को पढ़ता हूं तो निर्णय मैं लेता हूं। और जब हमको महत्वपूर्ण लगता है तब मैं संकेत देता हूं, जब हमको महत्वपूर्ण लगता है तब मैं निर्णय को पढ़ता हूं और संवेदना को पढ़ता हूं। दोनों ही तरफ निर्णय मेरा है, दोनों ही तरफ निर्णय मेरा है। तो मिठाई खाने के लिए मिठाई के शॉप तक वॉक करना है, ये निर्णय मेरा ही है जो मैं शरीर को देता हूं संकेत, और शरीर उस हिसाब से चलता है। पैसे निकालो, दो, मिठाई उठाओ, जीभ में रखो, ये सब निर्णय मेरा है। इंस्ट्रक्शन जो दे रहा हूं मैं, उसका निर्णय मेरा है। फिर जो संवेदना हुई जीभ में, उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, वो भी निर्णय मेरा है। और जो उदाहरण मैंने अभी लिया था थोड़ी देर पहले कि हमने मिठाई ना की दुकान तक वॉक करने के लिए कहा शरीर को, और सब कुछ किया, उसमें फाइनली जो है जीभ के संपर्क में जब मिठाई आई तो एक संवेदना पैदा हुई, एक सेंसेशन पैदा हुआ, लेकिन तब तक कोई मित्र आ गया तो मैं तो उसके बात पर ध्यान देने लगा, मिठाई की जो संवेदना आ रही थी उस पर ध्यान दिया नहीं, उसका जो स्वाद होना था, आस्वादन करना था, वो नहीं किया हमने, हमारा ध्यान कहीं और चला गया, तो वो बेकार ही हो गया। ये जो संपर्क हुआ मिठाई के साथ जीभ का, उस समय जो संवेदना पैदा हुई वो बेकार चली गई। अब हमसे कोई पूछेगा कि भाई क्या स्वाद था, कैसा था मिठाई का स्वाद, तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ने का निर्णय उस समय नहीं लिया, इसलिए पढ़ा नहीं गया, इसलिए उसके स्वाद का पता नहीं है।
ध्यान देंगे तो ये पता लगेगा कि संवेदना संकेत देने का निर्णय मेरा है, संवेदना को पढ़ने का निर्णय मेरा है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है शरीर के साथ मेरा, उसमें दोनों तरफ का निर्णय मेरा है, संकेत देने का, संवेदना को पढ़ने का। शरीर में तो बहुत संवेदना हो रही है, हर पार्ट में हर क्षण कोई ना कोई संवेदना हो रही है, लेकिन मैं सारे संवेदना को नहीं पढ़ता हूँ। जो संवेदना हमको महत्वपूर्ण लगता है उसको पढ़ता हूँ, और जब महत्वपूर्ण लगता है तब पढ़ता हूँ। तो ना तो सब संवेदना को पढ़ रहा हूँ, ना हर समय पढ़ रहा हूँ। जो संवेदना इंपॉर्टेंट लगती है शरीर में उसको पढ़ता हूँ, जिस समय इंपॉर्टेंट लगती है उस समय पढ़ता हूँ, इतना ही है। तो आपको भूख लग रही है तो शरीर में कोई संवेदना पैदा हो रही है, एक बार आप उसको पढ़ते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं कि शरीर को भूख लगी है ना। उसके बाद वो संवेदना तो होती रहती है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपने देख लिया कि भैया भूख की सूचना है। अब अगर अभी भोजन देने का है तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते। एक बार हमने सूचना पढ़ ली, हमको सूचना मिल गई कि आप उससे निष्कर्ष निकालना है, निकाल दिया हमने, अब हम बार बार उसको नहीं पढ़ते, जरूरत नहीं उसकी। तो ये जो दो बातें लिखी हैं, आई इंटरेक्ट विद द बॉडी एज एंड व्हेन आई कंसीडर इट इम्पोर्टेंट, जब मैं उनको महत्वपूर्ण मानता हूँ तो पढ़ता हूँ, तो नहीं पढ़ता। और जिस समय महत्वपूर्ण मानता हूँ समय समय पर उसको पढ़ता हूँ, जिस क्षण महत्वपूर्ण नहीं मानता उस समय नहीं पढ़ता। तो किसी शरीर के किसी एक संवेदना को मैं ध्यान देता हूँ जिसको महत्वपूर्ण मानता हूँ, और उसको भी थोड़ी देर के लिए ध्यान देता हूँ, हमेशा ध्यान देता रहता हूँ ऐसा जरूरी नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि द बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन दैट आई गिव। तो मैं शरीर को जैसा इंस्ट्रक्शन देता हूँ शरीर वैसा काम करता है। तो अपने डिसीजन के आधार पर मैं शरीर का प्रयोग करता हूँ, ये इसका निष्कर्ष है। इस बात को हम लोग को अभी से लेकर कल सुबह तक देखना है, अभी से लेकर कल सुबह तक अपने को स्टेप 3 पर काम करना है। इस पर काम करेंगे तो बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे, जिसको मैं ब्रीफली मेंशन कर सकता हूँ अभी, लेकिन उसका ठीक से अर्थ आपको कल सुबह तक जब काम करेंगे तब स्पष्ट होगा, बट मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या लिखा है। तो एक तो मैं तय करता हूँ कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बात आप देख पाएंगे अपने में, ठीक है। तो अपने स्तर पर, स्वयं के स्तर पर जो भी भाव विचार की बात है उसका निर्णय तो मैं करता ही हूँ, उसको हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 में देखा है। उसके साथ साथ जब भी मुझे शरीर की के साथ इंटरेक्शन करने की आवश्यकता महसूस होती है तो मैं शरीर को आवश्यक संकेत देता हूँ और शरीर में होने वाली संवेदनाओं को पढ़ता हूँ। हमेशा नहीं करता हूँ, जब महत्व दिखता है, आवश्यकता दिखती है, तब मैं शरीर के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। लेकिन जहां तक सेल्फ के लेवल पर देखेंगे तो मैं हमेशा अपने में इच्छा विचार आशा में व्यस्त रहता ही हूँ। सो आई एम एक्टिव एट द लेवल ऑफ सेल्फ ऑल द टाइम एवरी मोमेंट। देयरफॉर वी वर सेइंग कि जब भी एक्सरसाइज 1 पे हम काम कर रहे हैं तो हर क्षण उस काम को करना है। लेकिन जब सेल्फ का बॉडी के साथ इंट्रैक्शन है, मैं जब शरीर के साथ कुछ आदान प्रदान कर रहा हूँ उसको हर क्षण नहीं करता हूँ, इच्छा विचार आशा तो हर क्षण करता हूँ, इसलिए हर क्षण उसके प्रति होश की जरूरत है। लेकिन शरीर के साथ आदान प्रदान हर क्षण नहीं करता, जब आवश्यकता लगती है, महत्वपूर्ण लगता है तब करता हूँ। तो इम्पोर्टेंट है तब और समय समय पर, जब जिस क्षण इम्पोर्टेंट है तब। इसका मतलब कि शरीर के साथ जो हमारा आदान प्रदान है वो सामयिक है, टेम्पररी है, इसलिए जब भी आदान प्रदान कर रहे हैं तब ध्यान देने की जरूरत है, जब आदान प्रदान कर ही नहीं रहे हैं तो उस पर ध्यान देने की क्या जरूरत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बहुत सारे इंप्लीकेशन चीजें हमको समझ में आएंगे। अभी क्या है, हम अन्य से शरीर के इंट्रैक्शन के बारे सोचते रहते हैं, उस समय भी जब इंट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये दिख जाए कि भाई कभी कभी मैं इंटरेक्शन करता हूँ और उसका निर्णय मैं ही करता हूँ, जब आवश्यक लगता है, महत्वपूर्ण लगता है,
उस क्षण हम इंट्रैक्शन कर लेते हैं, अगले क्षण आवश्यक नहीं लगता तो नहीं करते। और उसमें ये देखें तो दोनों तरफ का निर्णय मेरा है, शरीर को कोई संकेत देने का, इंस्ट्रक्शन देने का निर्णय भी मेरा है, शरीर से कोई संवेदना को पढ़ने का निर्णय भी मेरा है। आई गिव इंस्ट्रक्शन टू द बॉडी इन अकॉर्डेंस विद द वर्क आई वांट टू टेक फ्रॉम द बॉडी एंड द बॉडी डज अकॉर्डिंगली। आई ऑपरेट द बॉडी एज पर माई डिसीजन, आई यूज द बॉडी लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। तो मैं जो है शरीर को एक यंत्र की तरह प्रयोग करता हूँ, एक साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। शरीर से कहता हूँ उठो तो उठता है, बैठो तो बैठता है, जैसा मैं कहता हूँ शरीर को वैसा शरीर करता है। ये जरूरी है कि शरीर की सीमा में ही हो, वो उसके बाहर होगा तो नहीं कर पाएगा शरीर, बट करने की कोशिश तो करेगा ही हमारे इंस्ट्रक्शन के आधार। और जो भी संवेदना शरीर में हो रही है उसको मैं पढ़ता हूँ जब हमको आवश्यकता रखती है तो, और उसके आधार पर निर्णय करता हूँ कि क्या करना है क्या। तो इस तरह के निष्कर्ष धीरे धीरे निकलेंगे जब हम लोग साइज टू के स्टेप थ्री पर काम करेंगे अभी से लेकर कल सुबह तक। एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो उसमें से निकलेगा वो यह है कि जब इस इंफेक्शन को देखते हैं और ये देखते हैं कि मेरे और शरीर के बीच जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसका निर्णय तो मैं ही लेता हूँ, संकेत देने का निर्णय मैं लेता हूँ, संवेदना का पढ़ने का निर्णय मैं लेता हूँ, ये दिख जाए तो उसमें तीन बातें हमको दिखाई पड़ती हैं। एक तो देखने वाला मैं हूं, दृष्टा मैं हूं, दूसरा करने वाला मैं हूं, और तीसरा उसका भोग करने वाला, उससे सुखी दुखी होने वाला मैं हूं। तो ये तीन बातें कि जब भी देखने का काम हो रहा है तो मैं ही देखने वाला हूं, शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूं। तो जैसे अभी शरीर को देखने का काम हम लोग कर रहे हैं तो शरीर को देखने का काम तो मैं ही कर रहा हूं, उसके लिए आवश्यकता होती है तो शरीर का आंख के का प्रयोग करता हूँ, आंख के माध्यम से शरीर के रंग को देखता हूँ, रूप को देखता हूँ, फॉर्म को देखता हूँ। आंखें बंद रखा हूं तो संवेदनाओं को देखता हूँ, देखने वाला मैं ही हूं, आवश्यकता अनुसार शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूं या नहीं करता। इसी तरह से करने वाला मैं हूं, कर्ता मैं हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है उसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूं, शरीर तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करता है। तो कोई चीज को देखना है कि नहीं देखना उसका निर्णय मैं करता हूं, आवश्यकता होती है तो शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूं, कोई काम हमको करना है नहीं करना उसका निर्णय मैं करता हूं, आवश्यकता होती है तो शरीर को उस काम में लगाता हूं। तो देखने वाला मैं हूं, करने वाला मैं हूं, और इसका सुख दुख भोगने वाला भी मैं हूं। तो अगर हमने मिठाई खाई तो मिठाई की संवेदना से जो सुख या दुख मिला उसको भोगने वाला मैं हूं। शरीर में तो जो भी घटना घटती है, जो भी संवेदना होती है उसकी सूचना हमको मिल जाती है, उससे सुखी दुखी होना मेरा ही निर्णय, तो मैं ही उसका भोगने वाला हूं, मैं ही उसको एक्सपीरियंस करने वाला हूं। ऐसा हमको दिखाई पड़ता है अगर हम अपने और शरीर के बीच के इंफेक्शन को ठीक से देखें, उसको ठीक से ऑब्जर्व करें, उससे निष्कर्ष निकालें, तो ऐसा निकलता है कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। सेल्फ जो है वही दृष्टा है, करता है, भोगता है, शरीर को साधन की तरह प्रयोग करता है आवश्यकता। तो इतनी बात को हम लोग को अभी से लेकर कल सुबह तक ऑब्जर्व करना है, आगे भी करते रहेंगे लेकिन कल सुबह तक ऑब्जर्व करके उसके जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन हैं, उसको कल हम लोग शेयर करेंगे। बट इस स्टेप वन और टू के संदर्भ में कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई शेयरिंग हो तो आप कर सकते हैं, कोई क्लारिफिकेशन, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, और स्टेप थ्री के संदर्भ में कोई भी क्लारिफिकेशन, कोई भी प्रश्न हो तो उसको